Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is UN Peacekeeper. तो हम जानेंगे UN Peacekeeper के बारे में. India gifted 2 lakh vaccine doses to UN Peacekeeper. India ने 2 lakh vaccine doses दिया है UN Peacekeepers के लिए. The announcement was made by External Affairs Minister S. Jaishankar during his remark at UN Security Council open debate on the implementation of Resolution 2532 passed last year. ये अनाउंसमेंट किया गया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा, जो उनका रिमार्क था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ओपन डिबेट के दौरान, जो इम्प्लीमेंटेशन रेजोल्यूशन था 2532 का जो कि पास हुआ था लास्ट ईयर. व्हाट इज यूएनएससी रेजोल्यूशन 2532? क्या है यूएनएससी रेजोल्यूशन 2532? द रेजोल्यूशन डिमांड ए जनरल एंड इमीडिएट सीसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी इन ऑल सिचुएशन ऑन इट एजेंडा दैट इज नॉट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. जो रेजोल्यूशन है वो डिमांड करता है कि एक जनरल और इमीडिएट सीसेशन होना चाहिए सारे ही हॉस्टिलिटी के सिचुएशन का इसके एजेंडा पे, जो कि पहले से आइडेंटिफाई किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा. कॉल फॉर ऑल पार्टीज इंगेज इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग दोज नॉट स्पेसिफिकली ऑन द यूएनएससी एजेंडा टू इंगेज इमीडिएटली इन अ ड्यूरेबल ह्यूमैनिटेरियन पॉज फॉर एटलीस्ट 90 कंजिक्यूटिव डेज. ये बोल रहा है कि सारे पार्टीज जो कि इंगेज है आर्म कॉन्फ्लिक्ट में, वो इमीडिएटली ड्यूरेबल ह्यूमैनिटेरियन पॉज ले एटलीस्ट 90 कंसेक्यूटिव डेज के लिए. स्पेसिफिकली एक्सक्लूड यूएनएससी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप एग्जांपल द इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लिवेंट. ये जो है एक्सक्लूड करता है यूएनएससी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप को, जिसमें इस्लामिक स्टेट इन इराक और लिवेंट जैसे संस्थाएं आते हैं. पीस कीपिंग एंड इज सिग्निफिकेंट, जो यूएन पीस कीपर्स है इसका जो पीस कीपिंग और इसका क्या सिग्निफिकेंस है. यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग इज अ ज्वाइंट एफर्ट बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट. जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग है ये ज्वाइंट एफर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट के बीच में. एवरी पीस कीपिंग मिशन इज ऑथोराइज बाय द सिक्योरिटी काउंसिल. हर एक पीस कीपिंग मिशन जो है वो ऑथोराइज है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा. द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन आर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूएन मेंबर स्टेट. जो फाइनेंशियल रिसोर्स है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन का वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएन मेंबर स्टेट का. अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर एवरी मेंबर स्टेट इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे देयर रेस्पेक्टिव शेयर फॉर पीस कीपिंग. और यूएन चार्टर के अनुसार हर एक मेंबर स्टेट जो है वो लीगली ऑब्लाइज है कि वो पे करे रेस्पेक्टिव शेयर पीस कीपिंग के लिए. इसके कंपोजिशन के बारे में अब हम देखेंगे. यूएन पीस कीपर ऑफन रिफर टू एज ब्लू बैरेट और ब्लू हेलमेट बिकॉज ऑफ देयर लाइट ब्लू बैरेट और हेलमेट कैन इंक्लूड सोल्डर पुलिस ऑफिसर एंड सिविलियन पर्सनल. तो यूएन पीस कीपर है जिसको कि हम ऑफन कहते हैं ब्लू बैरेट और ब्लू हेलमेट, क्योंकि जो उनका लाइट ब्लू कलर का बैरेट व हेलमेट होता है इस कारण उसमें सोल्डर पुलिस ऑफिसर और सिविलियन पर्सनल होते हैं. पीस कीपिंग फोर्सेज आर कंट्रीब्यूटेड बाई मेंबर स्टेट ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस. जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उनको कंट्रीब्यूट किया जाता है मेंबर स्टेट के द्वारा वॉलेंट्री बेसिस में. सिविलियन स्टाफ ऑफ पीस ऑपरेशन आर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट रिक्रूटेड एंड डिप्लॉयड बाई यूएन सेक्रेटेरियट. और जो सिविलियन स्टाफ होते हैं पीस ऑपरेशन के वो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट होते हैं जिनको रिक्रूट और डिप्लॉयड किया जाता है यूएन सेक्रेटेरियट के द्वारा. यूएन पीस कीपिंग इज गाइडेड बाई थ्री बेसिक प्रिंसिपल. यूएन पीस कीपिंग जो है वो गाइडेड है थ्री बेसिक प्रिंसिपल से. पहला है आपका कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज, इसमें कॉन्सेंट जो है पार्टी का वो काफी इंपॉर्टेंट है. इम्पार्शियलिटी यानी इनको इम्पार्शियल रहना है. नन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट, यानी वो फोर्स नहीं यूज करेंगे, सिर्फ सेल्फ डिफेंस या डिफेंस ऑफ मैंडेट के केस में यूज करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाकिस्तान टू रिमेन इन एफएटीएफ ग्रे लिस्ट अंटिल जून. पाकिस्तान जो है वो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में ही रहेगा जून तक. तो हम जानेंगे इसके बारे में फिर एफएटीएफ के बारे में. एफएटीएफ प्लेनरी एंड वर्किंग ग्रुप मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड फेब्रुवरी 21 टू 26 इन पेरिस इज ऑल सेट टू डिसाइड ऑन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट स्टेटस और पाकिस्तान इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट अंटिल जून. जो एफएटीएफ का प्लेनरी और वर्किंग ग्रुप का मीटिंग जो कि शेड्यूल किया गया था फरवरी 21 से 26 के लिए पेरिस में, उसमें डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट स्टेटस में ही रहेगा. पाकिस्तान जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से अंटिल जून तक. अब इसके बारे में हम बैकग्राउंड जानेंगे. पाकिस्तान वॉज प्लेस ऑन द ग्रे लिस्ट इन जून 2018 एंड गिवन अ टाइमलाइन टू इम्प्लीमेंट 27 एक्शन पॉइंट. पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था जून 2018 में और उसको टाइमलाइन दिया गया था कि वो इम्प्लीमेंट करे 27 एक्शन पॉइंट को. FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में हम जानेंगे. द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टेब्लिश इन 1989 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द G7. तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में इनिशिएटिव के बाद G7 का. इट इज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी विच वर्क टू जनरेट द नेसेसरी पॉलिटिकल विल टू ब्रिंग अबाउट नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म इन वेरियस एरियाज.
ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो कि वर्क कर रहा था जनरेट करने के लिए नेसेसरी पॉलिटिकल विल को, ताकि वो ला सके नेशनल लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिफॉर्म वेरियस एरियाज में. द एफएटीएफ सेक्रेटेरियट इज हाउस एट द ओईसीडी हेडक्वार्टर इन पेरिस. एफएटीएफ सेक्रेटेरियट का जो है ओईसीडी का हेडक्वार्टर पेरिस में हेडक्वार्टर है. इसका रोल और फंक्शन के बारे में हम जानेंगे. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इनिशियली इट वॉज एस्टेब्लिश टू एग्जामिन एंड डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग. इनिशियली इसको एस्टेब्लिश किया गया था ताकि एग्जामिन किया जा सके, डेवलप किया जा सके मेजर्स को, ताकि रोका जा सके मनी लॉन्ड्रिंग को. इन अक्टूबर 2001 द एफएटीएफ एक्सपेंडेड इज मैंडेट टू इनकॉर्पोरेट एफर्ट टू कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन एडिशन टू मनी लॉन्ड्रिंग. और अक्टूबर 2001 में एफएटीएफ को एक्सपेंड किया गया, अब इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया एफर्ट को ताकि कॉम्बैट किया जा सके टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग को भी. इन अप्रैल 2012 इट एडेड एफर्ट टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. और अप्रैल 2012 में इसमें ऐड किया गया कि काउंटर किया जा सके जो फाइनेंसिंग होता है प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन का मास डिस्ट्रक्शन के लिए. इसके कंपोजिशन को हम देखेंगे. द एफएटीएफ करेंटली कंप्राइजेज 37 मेंबर्स ज्यूरिसडिक्शन एंड टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग मोस्ट मेजर फाइनेंशियल सेंटर इन ऑल पार्ट ऑफ द ग्लोब. इट ऑल्सो एज ऑब्जर्वर एंड एसोसिएट मेंबर. जो एफएटीएफ है वो करेंटली कंप्राइज करता है 37 मेंबर ज्यूरिसडिक्शन को और टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर मेजर फाइनेंशियल सेंटर को ऑल पार्ट ऑफ ग्लोब के. ये इसमें ऑब्जर्वर और एसोसिएट मेंबर भी है. व्हाट इज ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, क्या है ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट जिसमें रखा जाता है एफएटीएफ के. तो ब्लैक लिस्ट कंट्री नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेररिस्ट आर पुट इन द ब्लैक लिस्ट. दिस कंट्रीज सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज. द एफएटीएफ रिवाइज द ब्लैक लिस्ट रेगुलरली एडिंग और डिलीटिंग एंट्रीज. कंट्रीज जो कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होते हैं व टेरिटरीज होते हैं जो कि उनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है, ये कंट्रीज सपोर्ट करते हैं टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी को. एफएटीएफ रिवाइज करते हैं ब्लैक लिस्ट को रेगुलरली एड और डिलीट करते हैं इसके एंट्रीज को ग्रे लिस्ट. कंट्री दैट आर कंसिडर सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट. दिस इंक्लूड सर्व एज ए वार्निंग टू द कंट्री दैट इट मे इंटर द ब्लैक लिस्ट. कंट्रीज जिसको कि कंसिडर किया जाता है कि वह सेफ हेवन है, सपोर्ट कर रहा है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को, उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है और ये एक चेतावनी के जैसा होता है, वार्निंग होता है उनके लिए कि वो ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं. कंसिडर इन द ग्रे लिस्ट में फेस, जिनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो उनको क्या क्या चीज का सामना करना पड़ता है. इकोनॉमिक सैंक्शन फ्रॉम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एडीबी, यानी उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जाता है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक और एडीबी के द्वारा. प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन फ्रॉम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एडीबी एंड अदर कंट्रीज, प्रॉब्लम होता है उनको लोन लेने पे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक एडीबी और अदर कंट्रीज से. रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड, रिड्यूस हो जाता है उनका इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बॉयकॉट, और उनका इंटरनेशनल बॉयकॉट होता है. नेक्स्ट टॉपिक ये आप देख सकते हैं एफएटीएफ का जो जनरल मीटिंग हुआ था. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईएसएल डिक्शनरी. तो हम जानेंगे आईएसएल डिक्शनरी के बारे में. द थर्ड एडिशन ऑफ द डिजिटल इंडिया साइन लैंग्वेज डिक्शनरी वाज लॉन्च रिसेंटली. तो तीसरा एडिशन है डिजिटल इंडिया साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का, उसको लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में. इट इंक्लूड 10,000 टर्म्स अक्रॉस सिक्स कैटेगरी. इसमें 10,000 टर्म्स है सिक्स कैटेगरीज में. द डिक्शनरी वाज प्रिपेयर्ड बाय इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर अंडर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री. तो ये डिक्शनरी को किसने प्रिपेयर किया है, तो प्रिपेयर बाय इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि किसके अंदर आता है, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ISLRTCC जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत. द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 रिकॉग्नाइज साइन लैंग्वेज एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है वो रिकॉग्नाइज करता है कि साइन लैंग्वेज जो है वो एक मीन्स है कम्युनिकेशन के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 54,000 लाइफ लॉस इन दिल्ली ड्यू टू एयर पॉल्यूशन. तो हम जानेंगे जो 54,000 लाइफ का लॉस हुआ था दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के कारण. एयर पॉल्यूशन क्लेम्ड अप्रोक्सीमेटली 54,000 लाइफ इन दिल्ली इन 2020 अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी ड्यू टू एयर पॉल्यूशन. जो एयर पॉल्यूशन है उसके कारण अप्रोक्सीमेटली 54,000 लाइफ जो था दिल्ली में 2020 पे लॉस हुआ है. ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया के एनालिसिस के अनुसार जो कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी जो पड़ा है एयर पॉल्यूशन के कारण, इसको हम समझेंगे. डेथ ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, जो डेथ हुआ है एयर पॉल्यूशन के कारण. ग्लोबली अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 डेथ हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू पार्टिकुलर मैटर 2.5 एयर पॉल्यूशन इन द फाइव मोस्ट पॉपुलर सिटीज दिल्ली, मेक्सिको सिटी, सो पाउलो, शंघाई एंड टोक्यो. ग्लोबली जो है अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 डेथ हुआ है जो कि एट्रीब्यूटेड है पार्टिकुलर मैटर 2.5 के कारण एयर पॉल्यूशन का. पांच मोस्ट पॉपुलर सिटीज पे जो है आपका दिल्ली, मेक्सिको सिटी, साओ पाउलो, शंघाई एंड टोक्यो. जो सिक्स इंडियन सिटीज है इसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और लखनऊ वो फीचर्स करता है ग्लोबल एनालिसिस में. एन एस्टिमेटेड 25
25,000 अवॉइडेबल डेथ इन मुंबई इन 2020 हैव बीन एट्रिब्यूटेड टू एयर पॉल्यूशन, और एस्टिमेट है कि 25,000 जिसको कि अवॉइड किया जा सकता था डेथ को मुंबई पे 2020 पे, वो एयर पॉल्यूशन के कारण हुआ है। बेंगलुरु, चेन्नई एंड हैदराबाद एस्टिमेटेड एंड अप्रोक्सीमेटली 12,000, 11,000 एंड 11,000 अवॉइडेबल डेथ रेस्पेक्टिवली ड्यू टू पॉल्यूटेड एयर। और बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में जो 12,000, 11,000, 11,000 अवॉइडेबल डेथ है वो पॉल्यूटेड एयर के कारण हुए हैं, नहीं तो ये क्या था, इनको अवॉइड किया जा सकता था। द कॉस्ट एस्टिमेटर, जो कॉस्ट एस्टिमेटर हम वो देखेंगे, द कॉस्ट एस्टिमेटर एंड ऑनलाइन टूल दैट एस्टिमेट द रियल टाइम हेल्थ इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट फ्रॉम फाइन पार्टिकुलर मैटर एयर पॉल्यूशन इन मेजर वर्ल्ड सिटी। जो कॉस्ट एस्टिमेटर है ये एक ऑनलाइन टूल है जो कि एस्टिमेट करता है रियल टाइम हेल्थ इम्पैक्ट इकोनॉमिक कॉस्ट फाइन पार्टिकुलर मैटर के कारण एयर पॉल्यूशन का मेजर वर्ल्ड सिटीज पे। इट वॉज डिप्लॉयड इन कोलेबोरेशन विद ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया, आईक्यू एयर एंड द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इसको डिप्लॉय किया गया है कोलेबोरेशन में ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया, आईक्यू एयर और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के द्वारा, यूजिंग रियल टाइम ग्राउंड लेवल पीएम 2.5 मेजरमेंट कलेक्टेड इन आईक्यू एयर डाटाबेस। द एल्गोरिथम अप्लाइड साइंटिफिक रिस्क मॉडल इन कॉम्बिनेशन विद पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ डाटा, यूज करते हुए रियल टाइम ग्राउंड लेवल पार्टिकुलर मैटर 2.5 का मेजरमेंट जो कि कलेक्ट किया जाता है आईक्यू एयर डाटाबेस में। एल्गोरिथम को अप्लाई किया जाता है साइंटिफिक रिस्क मॉडल पे कॉम्बिनेशन के साथ पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ डाटा के। कंप्यूटिंग द लॉस्ट ईयर, कंप्यूट किया गया है जो लॉस हुआ है ईयर पे। टू शो द इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेट ऑन द इकोनॉमी द अप्रोच यूज बाई ग्रीन प्रेस इज कॉल्ड विलिंगनेस टू पे। शो करने के लिए जो इम्पैक्ट पड़ा है एयर पॉल्यूशन के कारण रिलेटेड डेट पे इकोनॉमी के ऊपर, अप्रोच जो कि यूज किया गया है ग्रीन पीस के द्वारा, उसको कहा गया है विलिंगनेस टू पे। इट रिफर्स टू अ लॉस्ट लाइफ ईयर और अ ईयर लिव्ड विद डिसेबिलिटी इज कन्वर्टेड टू मनी बाय द अमाउंट दैट पीपल आर विलिंग टू पे इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस नेगेटिव आउटकम। इसको रिफर किया जा रहा है कि जो लॉस हुआ है लाइफ का ईयर पे, और जो ईयर वो जीए है डिसेबिलिटी के साथ, उसको कन्वर्ट किया जाएगा मनी पे बाय अमाउंट जो पीपल विलिंग है पे करने के लिए, ताकि अवॉइड किया जा सके नेगेटिव आउटकम्स को। द कॉस्ट एस्टिमेटर ऑल्सो सस्टेन द एस्टिमेटेड एयर पॉल्यूशन रिलेटेड इकोनॉमिक लॉसेज, और ये जो कॉस्ट एस्टिमेटर है वो सस्टेन कर रहा है कि जो एस्टिमेटेड एयर पॉल्यूशन रिलेटेड इकोनॉमिक लॉस होगा वो आपका इतना है। ग्रीन पीस रिकमेंड, ग्रीन पीस क्या रिकमेंड कर रहा है, डिस्पाइट अ टेम्पोररी रिप्राइव इन एयर क्वालिटी ओनिंग टू लॉकडाउन द लेटेस्ट फिगर फ्रॉम द रिपोर्ट अंदर इज कॉल्ड द नीड टू एक्ट इमीडिएटली। जो टेम्पोररी रिलीफ मिला था एयर क्वालिटी में लॉकडाउन के कारण, जो लेटेस्ट फिगर है रिपोर्ट का वो अंडर स्कोर कर रहा है कि हम लोग को एक्ट करने की जरूरत है, उसको अंडर स्कोर किया जा रहा है। द नीड ऑफ द आवर इज टू रैपिडली स्केल अप रिन्यूएबल एनर्जी, ब्रिंग एन एंड टू फॉसिल फ्यूल एमिशन एंड बूस्ट सस्टेनेबल एंड एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो अभी समय की मांग है कि हम रैपिडली बढ़ाए रिन्यूएबल एनर्जी को, एंड करें फॉसिल फ्यूल एमिशन को, और बूस्ट करें सस्टेनेबल और एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, ताकि जो ये प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जा सके और अवॉइडेबल डेथ को कम से कम किया जा सके। ये आप देख सकते हैं, गैस्पिंग फॉर एयर, एयर क्वालिटी कंटिन्यूज टू डिटोरिएट एट एन अलार्मिंग रेट इन मेजर सिटीज ऑफ इंडिया एज पर ग्रीन प्रेस रिपोर्ट। ये आपका बता रहा है जो एस्टिमेटेड डेथ है और एस्टिमेटेड कॉस्ट करोड़ में, तो दिल्ली में एस्टिमेटेड डेट 54,000 है और एस्टिमेटेड कॉस्ट 58,895 करोड़, मुंबई में 25,000 डेट और एस्टिमेटेड कॉस्ट 26,912 करोड़, बेंगलुरु में 12,000 डेट एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,365 करोड़, हैदराबाद में 11,000 डेट 11,637 करोड़, चेन्नई 11,000 डेट और एस्टिमेटेड कॉस्ट 10,910 करोड़, लखनऊ में 6,700 डेट है और एस्टिमेटेड कॉस्ट 8,000 करोड़। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस, तो हम जानेंगे ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस के बारे में। हैदराबाद सिटी हैज रिसीव्ड अनदर फेदर इन इट्स कैप बाय बीइंग चूजन एज वन अमंग द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। हैदराबाद सिटी रिसीव किया है अनदर फेदर अपने कैप पे, क्योंकि उनको चूज किया गया हैदराबाद सिटी को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे। ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जो ट्री सिटीज ऑफ वर्ल्ड है हम इसके बारे में जानेंगे। द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम इज एन इंटरनेशनल एफर्ट टू रिकॉग्नाइज सिटीज एंड टाउन कमिटेड टू इंश्योरिंग दैट देयर अर्बन फॉरेस्ट एंड ट्री आर प्रॉपरली मेंटेन, सस्टेनेबली मैनेज एंड ड्यूली सेलिब्रेटेड। जो ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है जो कि रिकॉग्नाइज करता है सिटी और टाउन को, जो कि कमिटेड है इंश्योर करने के लिए कि जो उनका अर्बन फॉरेस्ट है, ट्रीज है, उनको प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है, सस्टेनेबली मैनेज किया जा रहा है, ड्यूली सेलिब्रेट किया जा रहा है। दिस स्टेटस इज अकॉर्डेड बाय द आर्बर डे फाउंडेशन जॉइंटली विद द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन। और ये जो स्टेटस है वो दिया जाता है आर्बर डे फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन के द्वारा। टू रिसीव रिकॉग्निशन ए टाउन और सिटी मस्ट मीट 5 कोर स्टैंडर्ड। और रिसीव करने के लिए इस रिकॉग्निशन को एक टाउन और सिटी को पूरा करना पड़ता है ये 5 कोर स्टैंडर्ड को।
पहला है आपका एस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको एस्टेब्लिश करना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सेट द रूल्स, रूल्स तैयार करने होंगे, नो व्हाट यू हैव, जानना होगा कि क्या उनके पास है, एलोकेट द रिसोर्स, फिर उसके लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करना होगा, और लास्टली सेलिब्रेट द अचीवमेंट, सेलिब्रेट करना है अचीवमेंट को, व्हाट इज इट अ ग्रेट अचीवमेंट, क्यों ये एक ग्रेट अचीवमेंट है। हैदराबाद इज द ओनली सिटी इन द कंट्री टू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन इन रिस्पॉन्स टू इट कमिटमेंट टू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन फॉरेस्ट्री। हैदराबाद एक लौता सिटी है कंट्री का जिसको सिलेक्ट किया गया इस रिकॉग्निशन के लिए, उसके रिस्पॉन्स को देखते हुए, उसके कमिटमेंट को कि उसने ग्रो किया और मेंटेन किया अर्बन फॉरेस्ट्री को। द रिकॉग्निशन स्टैंड हैदराबाद अलॉन्ग साइड 120 सिटीज फ्रॉम 23 कंट्रीज इंक्लूडिंग डेवलप्ड नेशन सच एज यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर। ये जो रिकॉग्निशन है वो स्टैंड करता है हैदराबाद को अलॉन्ग 120 सिटीज के साथ जिसमें 23 कंट्रीज थे, जिसमें कि आपका डेवलप्ड नेशन भी है, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो हम जानेंगे जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है ट्यूबरक्लोसिस को लेकर इसके बारे में। द नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस 2017-2025 वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2017। जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान था ट्यूबरक्लोसिस को लेकर, इसको अप्रूव किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2017 में। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द इंटायर कंट्री विद द गोल ऑफ एंडिंग टीबी बाय 2025। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था पूरे भारत में ताकि इसको एंड किया जा सके टीवी को 2025 तक। तो किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, टारगेट कब तक का है। अंडर एनएसपी 20%, 22% एंड 24% ऑफ द फंड हैव बीन ईयरमार्क फॉर सोशल वेलफेयर असिस्टेंट फॉर 2017-18, 2018-19 एंड 2019-20 रेस्पेक्टिवली। और नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के अंतर्गत 20% 2017-18 के लिए, 22% 2018-19 के लिए और 24% 2019-20 के लिए फंड रखा गया था सोशल वेलफेयर असिस्टेंट के तौर पर। निक्षय पोर्टल, हम जानेंगे निक्षय पोर्टल के बारे में। इट इज द वेब इनेबल पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर टीबी कंट्रोल अंडर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये एक वेब इनेबल पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है टीबी कंट्रोल के लिए अंडर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। इट इज डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय सेंट्रल टीबी डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन कोलेबोरेशन विद द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एंड डब्ल्यूएचओ। इसको डेवलप और मेंटेन किया गया है सेंट्रल टीबी डिवीजन के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इन कोलेबोरेशन विद नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर और डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर। इट फंक्शन एट द नेशनल टीवी सर्विलेंस सिस्टम एंड इनेबल रिपोर्टिंग ऑफ वेरियस सर्विलेंस डाटा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये फंक्शन करता है नेशनल टीवी सर्विलेंस सिस्टम के तौर पर और इनेबल करता है रिपोर्टिंग वेरियस सर्विलेंस डाटा का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फॉर दोज प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड हु नोटिफाई टीवी पेशेंट ऑन निक्षय एंड इंसेंटिव ऑफ ₹500 ऑन नोटिफिकेशन एंड अनदर ₹500 फॉर अपडेटिंग द पेशेंट ट्रीटमेंट आउटकम आर प्रोवाइडेड। और वैसे प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर जो नोटिफाई करते हैं टीवी पेशेंट के बारे में निक्षय पोर्टल पे, उनको ₹500 का इंसेंटिव दिया जाता है नोटिफिकेशन के लिए, अनदर ₹500 दिया जाता है अपडेट करने के लिए पेशेंट के ट्रीटमेंट आउटकम को। प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर, प्राइवेट प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल लेबोरेटरी और केमिस्ट, जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर होते हैं वो आपके प्राइवेट प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल लेबोरेटरी या केमिस्ट होते हैं। निक्षय पोषण योजना, जो निक्षय पोषण योजना हम इसके बारे में जानेंगे। इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो निक्षय पोषण योजना किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कब किया गया था तो इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2018। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। इम्प्लीमेंट किया गया था 2018 से। ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। इट प्रोवाइड ₹500 पर मंथ टू ऑल टीवी पेशेंट टुवर्ड न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर ट्रीटमेंट। ये जो है प्रोवाइड करता है ₹500 पर मंथ सारे टीवी पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए जब तक कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके बेनिफिशियरी कौन कौन है तो नोटिफाइड टीवी पेशेंट अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूटी इन इंडिया। जो नोटिफाइड टीवी पेशेंट है सारे ही स्टेट और यूटी पे भारत के, वो सारे बेनिफिशियरी है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।